हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का दिग्गज पेनी स्टॉक जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड, टेक्सटाइल बिजनेस वाला यह स्टॉक दोस्तों, क्या अब बड़ा सा मोमेंटम कर सकता है या नहीं, क्योंकि दोस्तों एक बड़ी सी न्यूज़ इस कंपनी के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। खैर, वो तो कंपनी ने खुद नहीं प्रोवाइड किए, तो चलिए वो कौन सी न्यूज़ है उसको फाइंड करते हैं। कुछ टेक्निकल, कुछ फंडामेंटल रीज़न भी हम देखेंगे स्टॉक के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा, अगर प्रॉफिट गुरु चैनल को आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ऐप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग और एलायंस ब्लू का डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है, वहाँ पर जाइए, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करिए और हमारे साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन में भरपूर ट्रेडिंग करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं उस न्यूज़ को देखने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो IIFL की साइट के ऊपर हमने आप लोगों को लाए हैं अपडेशन। थोड़ा लेट है, 10 जून का है, ठीक है, हम आपको अपडेट करने में थोड़ा लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, स्टॉक में अभी भी बहुत जान बाकी है। ट्राइडेंट स्टॉक रैली आफ्टर मई प्रोडक्शन फिगर्स, मतलब दोस्तों कंपनी ने, ठीक है, एक्सचेंज को फाइलिंग किया है मई प्रोडक्शन का फिगर्स, ठीक है, जिसके कारण स्टॉक में एक रैली देखने को मिली है। ठीक है, तो हम नीचे देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर तो पूरा लिखा हुआ है, अनाउंसमेंट किया था थर्सडे के दिन जो डाटा आया उसके रिगार्डिंग, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन फाइलिंग टू द अंडर द होम टेक्सटाइल डिवीजन द कंपनी प्रोडक्शन, ठीक है, कंपनी का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, अगर लाइन की मैं बात करता हूँ, बात लाइन की, ठीक है, उसमें दोस्तों 5,122 मेट्रिक टन इन्होंने उत्पादन किया है, ठीक है, और देन उसके बाद अगर देखें तो 10,311 मेट्रिक टन ऑन ईयर, मतलब दोस्तों इन्होंने पूरे साल भर में करीबन दोस्तों 10,311 मेट्रिक टन यहाँ पर प्रोडक्शन किया था, और मई के महीने में ही इन्होंने 5,122 मेट्रिक टन क्या कर दिया है, उत्पादन कर दिया है। देन उसके साथ साथ अगर देखें कि मंथ का अंडर रिव्यू क्या है, ठीक है, अगर देखें तो 3 लाख, हम मान सकते हो 3 मिलियन मेट्रिक टन बेत लाइन, ठीक है, जो बेत लाइन है ना वो उनका प्रोडक्शन, इनका मंथ अंडर रिव्यू, मतलब इस प्रकार से रहा है कंपनी का। तो आप देख सकते हो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों दिनादिन बहुत ही शानदार सुधरते जा रहा है। मान लीजिए कंपनी अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस आने वाले एक दो साल तक करती रही तो कंपनी के जो प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी देश में एक या दो ही है, उसको भी काफ़ी जल्दी वो बढ़ा सकती है, ठीक है। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कंपनी का जो दूसरा प्रोडक्शन है उनके भी वैल्यू मार्केट में बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। पहले वैल्यू ये थी, उसके बाद अब ये देखने को मिल रही है, तो हमारे लिए अब ये अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों हम बहुत पुराने टाइम से ट्राइडेंट के शेयर होल्डर कहलाते आए हैं, ठीक है। अब ट्राइडेंट में देखिए, ट्राइडेंट है छोटा सा स्टॉक, आप लोगों ने देखा, ठीक है, बहुत छोटा सा स्टॉक है। चलिए उसका प्राइस भी देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा ट्राइडेंट का प्राइस, खैर लास्ट फ्राइडे को इसमें करीबन 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, 16.70 रुपये पे क्लोज हुआ। अब ये नहीं है दोस्तों कि आप आएंगे पूरा पैसा इसी स्टॉक में लगा देंगे, ठीक है, आप दोस्तों अगर 1,000 क्वांटिटी तक भी इसमें खरीद लोगे तो आपके लिए सफिशियंट है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं मानता हूँ ये कंपनी एक्यूरेट है, जेन्युइन कंपनी है, मार्केट में टिकने लायक कंपनी है, लेकिन दोस्तों स्टॉक स्प्लिट हुआ है ना, जब से स्टॉक की थोड़ी सी जो रीढ़ की हड्डी आती है वो टूट चुकी है, तो जिस प्रकार से हम पेनी स्टॉक से चाहते हैं कि इस प्रकार से ग्रोथ दिखा, उस प्रकार से वो नहीं कर पाता। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं हर बार बजाज फाइनेंस के बारे में अपडेट करता हूँ, ठीक है, जब आप लोगों को एक क्वालिटी दिखाता हूँ कि 2009 में बजाज फाइनेंस 5 रुपये से लेकर 6 रुपये तक था, ठीक है, देन उसके बाद उसने एक दो साल में कितना बेहतरीन रिकवरी किया था, तो ये ओरिजिनल पेनी स्टॉक होते हैं। अब इसको एक साल हो गया दोस्तों, ठीक है, एक साल हुआ है कहाँ से कहाँ तक आने में, आप देखिए 5 रुपये से लेके ये स्टॉक 2 रुपये पे भी था, 4 रुपये पे भी आया, 5 रुपये पे भी आया, देन उसको आते आते दोस्तों 19 रुपये तक भी हो के आया, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में। तो धीरे धीरे करके दोस्तों आप लोगों को ये कंपनी मोमेंटम दिखाएगा, तो जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको छोटा इन्वेस्टमेंट यहाँ करके चलना है, आगे जब स्टॉक एक अच्छा बिल्ड कर लेता अपनी पोजीशन को देन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, नीचे आता है तो और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। तो इस प्रकार से अगर आप दोस्तों इंस्टॉलमेंट टाइप में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आप लोगों को कभी भी स्टॉक में गलत टाइप का
मौका ही नहीं मिलेगा। कि मान लीजिए अगर आपने बहुत सारा पैसा यहाँ पर अटका दिया और स्टॉक बहुत अपनी अंडर वैल्यू होते जा रहा है, बहुत सड़ाता जा रहा है, ठीक है, और स्टॉक लॉस में आता जा रहा है, तो ये चीज़ें आप लोगों को दिक्कत नहीं देगी, ठीक है। 1000 क्वांटिटी खरीद लोगे, 16-17 हज़ार रुपये का फंड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन उसके बाद का प्लान आप जमा के रख सकते हो। बाकी आप देख सकते हो स्टॉक का जो वॉल्यूम कंडीशन है 1,93,00,000 का, ऑब्वियसली बात है देखने को मिलेगा, छोटा सा स्टॉक है। डिलीवरी पैटर्न कितना है ये भी देखते हैं, आप देख सकते हो 58-59% का मान सकते हो। क्वांटिटी देखेंगे 1,13,00,000 क्वांटिटी देखने को मिल रही, मतलब कंपनी का जान तो आप लोगों को पता है कितना है। देन उसके बाद आप देखेंगे कि मार्च क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आपको किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिविडेंड अगर आप देखेंगे 25 मई 2021 को इसने 36 पैसे पर शेयर के हिसाब से अनाउंसमेंट कर दिया था, ठीक है, और दिया भी है, तो ये शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। शेयर होल्डर के स्टेक को अगर देखें तो प्लेज रखा हुआ तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो 73% तक का अपना स्टेक लेके मार्केट में बैठे हुए हैं। बाकी अगर हम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्राइडेंट, ठीक है, करीबन 8,510 करोड़ का मार्केट कैपिटल लेके बैठा है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों ये इतना मार्केट कैपिटल है कि ये मिड कैप कंपनी कहला सकती है, ठीक है, क्योंकि मिड कैप कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 से ऊपर होना चाहिए और इसका 5,000 से ऊपर है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करिए अगर आप इसको पेनी स्टॉक बोलते हो तो, ठीक है, खासकर वो है पेनी स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों स्टॉक का मोमेंटम मार्केट में अच्छा था, लेकिन वो स्प्लिट हुआ जब से स्टॉक का मोमेंटम थोड़ा कम हो गया। बाकी पी अर्निंग रेशियो देखेंगे 25.9 का है, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय 10.2% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.3% का है। करेंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो, वो सॉरी बुक वैल्यू, बाकी फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से देखने को मिल रही है। बाकी आप लोगों ने देख के ही आए, 52 बिक का लो करेंट मार्केट प्राइस, ये सब चीज़ें आप लोगों ने चेक करके ही आए। नीचे अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कंपनी से डिडक्टेड डेट, मतलब कंपनी के ऊपर जो भी कर्जा है वो कंपनी धीरे धीरे करके कम कर रही है। कंपनी का जो डिविडेंड देने का पे आउट है दोस्तों वो बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। बाकी नेगेटिव क्वालिटी अगर आप देखेंगे कंपनी, ऑब्वियसली बात है कंपनी पेनी स्टॉक है दोस्तों, जो नेगेटिव क्वालिटी वो तो कंपनी की भर भर के रहने वाली है, ठीक है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक रेंज में ही कंपनी अपना क्या कर रही है दोस्तों, बिजनेस कर रही है। जून 2018 में 1136 करोड़ की सेल्स की थी, मार्च 2021 में 1345 करोड़ की सेल्स की, इससे ऊपर कंपनी ने कभी भी अपनी सेल्स नहीं की। यहाँ पर 1401 की का थी, 1408 को की थी, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ नहीं देखने, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो बस दोस्तों एक रेंज में ही घूमने लायक है, क्योंकि कंपनी जब तक अपना प्रोडक्शन मार्केट में ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी दोस्तों, जब तक कंपनी का मार्केट में वैल्यू नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कंपनी अब इस साल प्लान करेगी दोस्तों, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कंपनी अगर मार्केट में ज़्यादा ओपन करेगी, ठीक है, तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ज़्यादा उसका प्रोडक्शन मार्केट में बढ़ेगा, ठीक है। अगर वहाँ प्रॉफिट की बात करते तो प्रॉफिट भी दोस्तों कंपनी का एक रेंज में ही घूमते देखने को मिलेगा, 59 करोड़ का था, 76 करोड़ का था, 140 करोड़ तक गया, मतलब एक रेंज में आप देख सकते हो। अगर साल भर में तुलना करें कंपनी के तो साल भर में भी कंपनी के जो फिगर्स है वो एक जैसे ही देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे मार्च 2009 में मतलब 1,397 करोड़ की सेल्स थी, ठीक है, अगर मार्च 2021 में देखेंगे तो वो 4,500 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो यही कंपनी का मोमेंटम है कि क्यों कंपनी अभी थोड़ा सा फंसा महसूस क्यों कर रही है, ठीक है। आप भी देख रहे होंगे कि स्टॉक बहुत दिन से यहाँ घूमता है, थोड़ी सी तेज़ी दिखा देता है, फिर वहाँ पर घूमने लगता है। तो कंपनी की दिक्कत यही है कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो अभी एक रेंज में बंधा हुआ, उसको बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली मोमेंटम जनरेट करके देगा। बाकी प्रॉफिट आप देख सकते हो, यहाँ से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने देखी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। देन कंपनी के अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ टेक्निकल कंडीशन, हमारा ओपिनियन क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ट्रेडिंग स्टॉक में बता दी। बाकी अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें ना तो आप देख सकते हो बरनाल पंजाब में, ठीक है, और बुधनी मध्य प्रदेश में, ये दो जगह में कंपनी के, ठीक है, बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बाकी और कहीं भी नहीं है पूरे देश में। तो कंपनी को इसको और बढ़ाना पड़ेगा तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है मार्केट में वो बढ़ते देखने को और मिलेगा, ठीक है। तो ये है ट्राइडेंट स्टॉक के बारे में हमारी राय, कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये भी बताया, जितना कम हो सके उतना भी करिए, देन कंपनी का मोमेंटम बढ़ता है, फिर करेंगे हम और बढ़ा के इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए इंट्राडे टिप्स एंड मार्केट अपडेट लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।